क्या आप एलपीजी की बढ़ती हुई कीमत और धुएं वाले चूल्हे से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आपके पास 4-5 पशु हैं? तो आपको मिल सकती है खाना बनाने के लिए गैस और अच्छी फसल के लिए जैविक खाद। बस आपको लगाना है 2 घन मीटर का बायोगैस प्लांट, जिसे आप हमारी मदद से स्वयं भी लगा सकते हैं। आपको 2 घन मीटर के प्लांट में रोजाना 40 से 50 किलो गोबर को 40 से 50 लीटर पानी के साथ घोलकर डालना होगा, जिससे रोजाना आपको खाना बनाने के लिए पर्याप्त गैस और अच्छी फसल के लिए जैविक खाद मिलेगा। प्लांट से आपको रोज लगभग 800 ग्राम कुकिंग गैस मिल जाएगी, जिससे आप 5 से 6 सदस्यों का दोनों टाइम का भोजन बना सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 70 से 80 लीटर तरल रूप में खाद भी मिल जाएगी। प्लांट के मुख्य भाग इस प्रकार हैं: इनलेट मटेरियल डालने वाला भाग, मुख्य टैंक, गैस होल्डर, आउटलेट जैविक खाद के लिए, पाइप, मॉइस्चर ट्रैप और स्टोव। एक अच्छा, टिकाऊ और कम लागत में डाइजेस्टर, इनलेट और आउटलेट हमारी मदद से आप स्वयं बना सकते हैं, तथा बायोगैस प्लांट की एक्सेसरीज, जिसमें गैस होल्डर, पाइपलाइन, नमी ट्रैप, वॉल्व, स्टोव, हमारी संस्था कोशिश आपको उपलब्ध करा देगी। काम शुरू करने से पहले आपको निम्न सामग्री को इकट्ठा करना होगा: ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू एवं मिस्त्री और लेबर। प्लांट बनाने के चरण। पहला चरण, बायोगैस प्लांट लगाने के लिए खुली जगह का चयन करें, जहां सीधे तौर पर धूप प्लांट के ऊपर आए और आपके रसोई घर के भी पास हो, जिससे पाइप लगाना और गैस पहुंचाना आसान हो एवं जैविक खाद को भी खेत तक लेकर जाना सुलभ हो। दूसरा चरण, प्लांट लगाने के लिए जमीन के अंदर 6 फुट गहरा और 5 फुट चौड़ा गोलाकार गड्ढा खोदना होगा, जिसको 3 मजदूर 2 दिन में खोद सकते हैं। गड्ढा जेसीबी मशीन द्वारा भी खोदा जा सकता है। तीसरा चरण, गड्ढे का तल समतल करने के बाद उसमें गिट्टी, सीमेंट और बालू को 1, 2 और 4 के अनुपात में मिलाकर 4 इंच मोटा PCC करना होगा। चौथा चरण, PCC के ऊपर 9 इंच मोटी 5 फीट ऊंची गोलाकार दीवार बनानी होगी, जिसमें इनलेट का पाइप और आउटलेट का पाइप चित्र और वीडियो के अनुसार लगाना होगा, और दीवार पर सीमेंट और बालू से 1:4 के अनुपात का प्लास्टर करना होगा। पांचवा चरण, प्लांट के बचे हुए भाग में लगने वाले सामान जैसे कि गैस होल्डर, बॉल वॉल्व, गैस पाइपलाइन, स्टोव, नमी ट्रैप इत्यादि, जो कोशिश द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इसके इंस्टॉलेशन के लिए कोशिश की टीम वीडियो कॉल पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। छठवां चरण, गैस होल्डर लगने के बाद आपको प्लांट के मुख्य भाग डाइजेस्टर में गोबर और पानी को 1:1 के अनुपात में इनलेट टैंक में मिलाकर पूरा भरना होगा और गैस होल्डर में लगे वॉल्व को बंद करना होगा। 8 से 10 दिनों तक प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है और जो भी गैस बायोगैस होल्डर में भरी है उसको एक बार हवा में निकाल देना है। उसके बाद जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसी अनुपात में रोज फीडिंग शुरू करना है। इसके उपरांत जो भी गैस बनेगी उसको नियमित तौर पर उपयोग में ले सकते हैं और प्लांट से निकलने वाली उत्तम गुणवत्ता वाली जैविक खाद को भी उपयोग में लिया जा सकता है। गैस होल्डर को आप चाहें तो अपने स्तर पर भी बनवा सकते हैं। कोशिश की टीम आपको डिजाइन उपलब्ध करा देगी। उच्च गुणवत्ता सामग्री से बनाए हुए प्लांट की आयु कम से कम 25 वर्ष होती है। धन्यवाद।